पीछे के बंगले के और आ गए हम फिर दोबारा से। फिर पिछले वीडियो में हमने बताया था तो आगे का बताया था, तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, और उसकी जड़ें वगैरह देखिए कितनी दीवार में से पीछे आकर हैं यहाँ पे, देख सकते हो। मैं आपको बता दूं ये 1947 से पहले का बंगला है यहाँ पे, जो बीच नदी में बना हुआ है, आप देख सकते हो नदी में। और आगे भी बता दूं आपको, पीछे से भी बता दूंगा यहाँ पे। अभी हम इस बंगले के पीछे जा रहे हैं ताकि आपको बता दूं ये कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। यहाँ पत्थर वगैरह है जो हम चल रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। देखिए बहुत बड़ी नदी है यहाँ पे, वहां से लेकर आपको बता दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक बहती है। इस नदी का नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी है ये, आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी नदी है। वहां पे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक अल्कलिस की फैक्ट्री है जो केमिकल बनती है। आप देखिए इतने इतने बड़े पत्थरों से ये बंगला बना हुआ है, बहुत ऊंचा। यहाँ पे पेड़ वगैरह आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए बंगले का पिछला हिस्सा, बहुत बड़ा है। थोड़ा और आगे जाएंगे हम, उस चट्टान पे जाएंगे तो पिछले का हिस्सा हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे मछलियों का शिकार भी होता है, यहाँ पे कई लोग मछली का शिकार भी करते हैं यहाँ पे। साफ सुथरा पानी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक आदमी मछली पकड़ रहा है, इसपे एक आदमी मछली भी पकड़ रहा है इसमें, इस पानी के अंदर। देखिए नशा एकदम क्रास जैसा, इधर भी दीवार है और इधर का हिस्सा भी दीवार है, इसको मोड़ दिया गया है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे मोड़ दिया गया है, देख सकते हो आप। बहुत बड़ा पुराना बंगला है यहाँ पे, इधर से भी पानी जा रहा है। आपको बता दूँ ये पहल, इधर से भी पानी जा रहा है, इधर से भी पानी जा रहा है और इधर से भी पानी जा रहा है। इसके बिल्कुल बीच का हिस्सा है ये, बीच के हिस्से में ये बंगला बना हुआ था। इसके बाजू में ही सिटी बनी हुई है, बहुत अच्छी खूबसूरत सी सिटी है हमारी, देख सकते हो आप। यहाँ पे ये परिंदे मछलियों को खाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत साफ सुथरा पानी है यहाँ पे। कोई गंदा पानी नहीं है यहाँ पे, एकदम साफ। एक आदमी वहाँ पे शिकार कर रहा है मछलियों का, और यहाँ पे एक आदमी बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा है जाले से। पे भी पानी के आजू बाजू में एक बंगला बना हुआ है वहां पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों।